हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का अर्चना कुकिंग ब्लॉग में। सो फ्रेंड, हम जब भी चावल लेकर के आते हैं या तो उसमें पहले से ही छोटे छोटे कीड़े और घुन लगे होते हैं, या फिर जैसे ही हम बोरी खोल करके चावल को अपने यहाँ कंटेनर में, ड्रम में या किसी बड़े बर्तन में रखते हैं, उसमें कुछ ही दिनों में देखिए तो बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। काले काले घुन होते हैं और पाई जिसे बोलते हैं, थोड़े छोटे छोटे लंबे लंबे होते हैं, ये सब पड़ जाते हैं। उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतर से सिटी में रहने वालों के लिए, जिन्हें कि पछोरना वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता है, ऑफिस गोइंग है, टाइम कम है, तो बहुत मुश्किल होता है चावल से कीड़े निकालना। तो बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊँगी जिससे आप अपने चावल को पूरे साल भर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, उसमें एक भी कीड़े नहीं लगेंगे और चावल की खुशबू भी आपकी बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले जब भी आप चावल को लेकर के आएं मार्केट से, उसमें जो गंदगी होती है उन्हें साफ़ करना ज़रूरी होता है। ये काम आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके चावल में पूरे साल भर कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरह से झड़नी आती है मार्केट में, जो कि 200 से 250 रुपये में मिल जाती है, और इससे चावल बहुत ही इजी तरीके से, चावल से में जो कीड़े लगे होते हैं और चावल में जो गंदगी होती है, छोटे छोटे चावल जो होते हैं टूटे हुए, वे सारे के सारे ही निकल जाते हैं। और चावल को झाड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना झाड़े अगर आप चावल रख देते हैं तो कोई भी तरीका अपनाइए वो काम नहीं करेगा, इसलिए चावल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी तरीके बताऊंगी उसे आपको नीचे से ही लेयर बाय लेयर आपको मैं चावल अपने कंटेनर में भर ही रही थी कि मुझे ख्याल आया कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले जो भी डब्बा आप हो, आपका इस तरह से स्टील का कंटेनर हो, ड्रम हो, तो सबसे पहले नीचे में आपको पेपर रखना होगा, पेपर बिछाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर ये देखिए मेरे पास क्या है, मैं कई उपाय बताऊँगी तो आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। तो मेरे पास ये नमक है, नमक जो इस तरह से भेली में मार्केट में आपको मिल जाएंगी, अगर आपके पास ये है तो आपको क्या करना है कि पहले नीचे पेपर ज़रूर बिछाइएगा या प्लास्टिक डाल दीजिए नीचे, ताकि जो सीलन है ना वो हमारे चावलों तक ना पहुँचे। तो प्लास्टिक या पेपर डालना बहुत ज़रूरी है। तो डालने के बाद आप 4 अंगुल आप चावल डालिएगा, उसके बाद 2-3 भेली नमक के डाल दीजिएगा। फिर इसी तरह से आप करिएगा, 4 अंगुल एक बित्ते चावल भरिएगा और फिर उसमें ये 3-4 नमक की भेली डाल दीजिएगा। तो इस तरह से भी आप डालेंगे तो आपके चावल में कीड़े नहीं लगेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि ये देखिए लाल मिर्च है, तो लाल मिर्ची को भी क्या करना होगा ना, आपको नमक हो, लाल मिर्च हो या कोई भी चीज़ हो, इसे सबसे पहले धूप में आपको सुखाना है, नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो लाल मिर्च भी आपको उसी तरह से रखना है कि पहले नीचे आपने प्लास्टिक या पेपर बिछाई है, फिर चावल डालिए, फिर 2-3 लाल मिर्च डाल दीजिए, फिर चावल डालिए एक बित्ता, फिर लाल मिर्च डाल दीजिए, तो इससे भी आपके चावल में कीड़े नहीं लगेंगे। और आपको लाल मिर्च जो है ना उसे धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये झड़नी देख रहे हैं, बहुत आसान तरीके से ये मार्केट में मिल जाता है झड़नी 200-250 रुपये में। तो जब आप झाड़ेंगे तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे जो चावल के टुकड़े होते हैं ना वो निकल जाएंगे, और जितनी गंदगी आपकी चावल में होगी वो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो तीसरा तरीका क्या है ना फ्रेंड, ये देखिए मेरे पास मसाले हैं, मसालों में मैंने तेज़पत्ता लिया है और बड़ी वाली इलायची है और दालचीनी है, ये सब भी आपको धूप में, पहले कड़क धूप में सुखाना होगा तभी ये उपाय काम करेगा। नहीं तो जब आपके मसाले जो हम डालेंगे उसमें पहले से नमी रहेगी तो फिर वो आपके चावल की नमी को नहीं अब्जॉर्ब करेगा, तो आपके चावल में कीड़े लग जाएंगे। इसलिए आपको दालचीनी है, तेज़पत्ता है और बड़ी इलायची है, तो इसे सुखाना है। सुखा करके फिर तरीका वही है कि सबसे पहले नीचे में आप पेपर डालिए या फिर प्लास्टिक मोटा बिछा दीजिए, और फिर उसके बाद आपको एक लेयर आपको डालना है, जैसे आपने 1-2 तेज़पत्ते डाल दिए और एक बड़ी इलायची और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी के डाल दीजिएगा। तो फिर उसके बाद आप एक बित्ता जो है कि
आप चावल रखिए, फिर दालचीनी, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची रख दीजिए। तीन चार आपने दालचीनी, अरे तेज़पत्ता रख दिया और छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक दो बड़ी इलायची रख दिए। तो इसी तरह से आप लेयर बाय लेयर जब आप रखेंगे तो पूरे साल भर आपके जो कंटेनर है ना, चावल है, उसमें घुन एक भी नहीं लगेगा, ना तो कोई पाई लगेगी, ना कीड़े लगेंगे, क्योंकि इनकी इसका जो महक है ना वो स्ट्रांग होता है और जिससे कि कीड़े नहीं लगते हैं और जो नमी होती है ना वो भी सोखती है। तो आपको याद दिला दूं, वीडियो अगर पसंद आएगी फ्रेंड तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो यही तरीका दाल में भी है। दाल को क्या करिए, बरसात के दिनों में दाल में भी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो चावल को कभी भी धूप नहीं दिखाना चाहिए और दाल को बिना धूप दिखाए डब्बे में भरना नहीं चाहिए। तो दाल को क्या है ना कि सबसे पहले आपको धूप में सुखा लीजिएगा और फिर आप झड़नी से झाड़ दीजिएगा ताकि उसमें जो पहले से कीड़े हों वो सारे कीड़े निकल जाए। फिर सबसे नीचे आपको क्या करना है कि दो चार लौंग डालना है और तेज़पत्ता, लौंग और तेज़पत्ता आपको डालना है। और फिर उसके बाद जो है कि आपको डालिएगा दाल डालिएगा थोड़ा चार अंगूठ, फिर उसके बाद आप दो तीन लौंग डाल दीजिए, दो तीन तेज़पत्ता, तो फिर आपके दाल में भी कभी कीड़े नहीं लगेंगे। इसी तरह से आप सूजी इस्तेमाल करिए, सूजी को भी आप पहले अच्छे से मतलब कि धूप दिखा लीजिए अगर डब्बे में भर रहे हैं तो, और फिर उसमें आप लौंग दो चार डाल दीजिए और दो चार तेज़पत्ता, तो सूजी में भी आपके कीड़े नहीं लगेंगे। तो आपको जो भी अनाज रखना हो तो आप अनाज में ये तरीका अपनाइएगा, आपके अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।